ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच इंटरनेट पर एक दावा काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी माने तो आगामी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद होने वाला है। ऐसे में इस दावे में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं। दरअसल इन चैनलों पर पोस्ट किए गए वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि भारत में ईवीएम बंद होगी, आंदोलन से झुका चुनाव आयोग। इसी तरह एक अन्य वीडियो में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला, बैलेट पेपर से ही होगा 2024 का चुनाव। इन सब के अलावा पीआईबी की ओर से एक और वीडियो का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया था कि हो गया ईवीएम का इलाज। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की ओर से इन्हीं दावों को लेकर हाल ही में यूट्यूब पर कुछ खास चैनलों का जिक्र किया गया। इनके अलावा भी कुछ वीडियोज में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि मामले में पीआईबी ने खुद सामने आकर स्थिति साफ कर दी। पीआईबी ने मंगलवार को बताया कि ये सभी दावे फर्जी हैं। आधिकारिक एक्स हैंडल पर पीआईबी ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम को बैन करने का फैसला नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और बैलेट पेपर से जुड़ी खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी का कहना था कि एक फर्जी वीडियो चलाया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के ऑर्डर जारी किए हैं। पीआईबी की ओर से आगे बताया गया कि कोर्ट की ओर से ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया। पीआईबी की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईवीएम पर रोक लगाने की बात नहीं कही गई है। मतलब इंटरनेट पर जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।